नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ विजया वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 13 से 15 अगस्त 2024 तक चलाए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत आज अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में एक तिरंगा प्रभात रैली का आयोजन किया गया। रैली पालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर रोडवे बस स्टैंड होते हुए सुभाष चौक तक निकाली गई। रैली में पालिका स्टाफ द्वारा शहीदों को नमन करते हुए नारे लगाए गए। इस दौरान पालिका स्टाफ विशाल कुमार, पुष्पेंद्र सक्सेना, पवन कुमार, अशरफ जीत सिंह, जय हेमंत कुमार, नेपाल सिंह, अमित अग्रवाल, तरुण कुमार आदि सहित पालिका स्टाफ मौजूद रहा। अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने बताया, तिरंगा यात्रा जो है अपनी नगर पालिका से सुभाष चौराहे तक निकाला है और हम आज अपने सभी सुनमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने पूरे पालिका परिवार पूरे नगरवासियों की तरफ से। और हम लोग जो है अपने उन अमर शहीदों से सीखने को हमें मिलता है और हम आज के दिन उनको उनकी जो कृतज्ञ कर्म थे उससे हम सीखें, उन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए किस तरह से जुर्म को सहते हुए हमें आज़ादी दिलाई। आज हम उस आज़ाद भारत में खड़े हैं स्वतंत्रता के साथ, नहीं तो जमाने में अंग्रेज़ों के समय में जो है लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, आज हम एकदम आज़ाद होकर घूम रहे हैं। तो उन अमर शहीदों की देन है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है जिन्होंने लड़ाई को लड़के 1857 से शुरुआत की थी और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो उन्हें जो है सभी अमर शहीदों को जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।